भाई साहब छोड़ो छोड़ो नियम से चलने के लिए सारा कार्यक्रम किए थे और नियम से चलने के खातिर अगर ऐसे हो मिलता है असामाजिक तत्वों का तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बाजार सुचारू रूप से चले और बाजार में किसी तरह की अनियमितता नहीं हो, तो ये सारा काम पुरानी मंडी व्यापारिक एसोसिएशन का है। लेकिन साथ साथ अपना जो प्रशासनिक वो ढांचा है उसका मौलिक दायित्व है कि वो व्यापारियों की सुरक्षा करे। अगर सुरक्षा होगी तभी दुकान खुलेंगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। पुरानी नहीं खुलेगी, पुरानी मंडी में पुरानी अतिक्रमण को लेके चल रहा है, उसको लेके क्या बोल रहे? वो अतिक्रमण तो हमारा बिल्कुल अभी हटा दिया, सारा व्यवस्थित चल रहा है, कोई तरह की गड़बड़ नहीं है, इसीलिए तो हमने ये सारा किया है। और अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए भी एसोसिएशन पूरी संकल्पबद्ध है। लेकिन जो ऐसे असामाजिक तत्व धमकी दे जाते हैं उसका प्रशासन को हिसाब रख करके और उनको निपटना होगा। खबर था तो एसपी साहब ने यहाँ का स्वयं पैदल दौरा किया और सुनीता गुर्जर को यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए व्यापारियों से मिलकर इनकी व्यवस्था बुधाई। सुनीता गुर्जर ने स्वयं ने आकर के खंभे लगवाए, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, पार्किंग बनवाई, पार्किंग हमने गार्ड रखा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा में तत्व आकर के गाड़ियों को पलट देते हैं, कैमरे तोड़ने की धमकी देते हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष को आकर के धमकी देने, गोलियां चलेंगी, ये चलेंगी, तुम होते कौन हो यहाँ पर अपनी मनमानी करने। हमने कहा प्रशासन के सहयोग से लगाइए और प्रशासन की रजामंदी है, उनकी परमिशन है, हम परमिशन नहीं मानते हैं तो हमारे को देख लेंगे। गोलियां नहीं चली अभी पुरानी मंडी में, गोलियां चलेंगी, ये हमारे को धमकी, हम धमकी किसी तरह की नहीं रहेंगे, हम व्यापारी आदमी है, गुंडे नहीं है। आज हमने पुरानी मंडी व्यापार का एसोसिएशन का आह्वान पे पुरानी मंडी बंद किया है और इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको पाबंद किया जाए कि आगे से ऐसी कार्रवाई करने से अपने आप को दूर रखें। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत अनचेंज रहता था, उसकी वजह से यहाँ पर व्यापार करना, लेडीज को आना, ग्राहकों को आना बड़ा दुश्वार हो गया। उसके लिए हमने सारी कार्रवाई प्रशासन से करी। प्रशासन की श्रीमती सुनीता गुर्जर TI ने हमको बहुत सहयोग दिया, सारी उनकी देखरेख में सारे जितने भी खंभे लगे हैं उन्होंने हमारे यहाँ चार चार चक्कर लगाए। हमको सुनीता गुर्जर का हम बहुत बहुत आभारी हैं, हमारी पूरी व्यापारिक एसोसिएशन उनकी बहुत आभारी है कि उन्होंने अपना कीमती समय देके हमारे व्यापारियों को सहयोग करा। उसके साथ साथ आज बाजार के अंदर इतनी सुचारू व्यवस्था है और हमने यहाँ पर अपनी सारी व्यवस्था अपने स्तर पर करिएगी। आज कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर हमारे व्यापारी भाइयों को उन्होंने कहा हम गोली से मार देंगे, यहाँ के खंभे हटा देंगे, हमको किसी प्रशासन का कोई डर नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो जो करो। उसके उपरांत हमने अपने स्तर पे बाजार बंद करके प्रशासन को यहाँ पर बुलाया, अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। हम इस तरह के धमकी, अब ये कुछ असामाजिक तत्व, हम अपने व्यापार में मशगूल रहते हैं, हम किसके दर्जा में, हमको किसका नाम पता है, कौन है, हमको ये कोई पता नहीं है, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, हम इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। मार्केट में ये है कि मार्केट के सभी बिजनेसमैन ने आपस में बैठक करके, और पहले भी प्रॉब्लम थी जिसके तहत श्रीमान एसपी साहब ने भी राउंड लिया था, इन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और आपस में निर्णय लेकर के इन्होंने ऑटो दोनों तरफ कुछ टाइमिंग फिक्स करके और जो अपने चूड़ीदार जो पाइप्स लगाए थे ताकि टू व्हीलर आए, ऑटो वगैरह नहीं आए, अपने सुविधा के हिसाब से, जिसमें स्कूली बच्चे, कोई विकलांग है, प्रॉब्लम है किसी की, उन सबको छूट दी गई थी इन लोगों ने। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो इससे सहमत नहीं थे उन्होंने आज का इसका विरोध किया और इनके साथ मैं मौके पर मौजूद नहीं थी, मैंने सुना कि इन लोगों के साथ बदतमीजी की है, जो भी कुछ व्यवहार किया है, तो इसके संदर्भ में कोतवाली पुलिस उपस्थित है, इन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया है और दोनों पक्षों के सुनकर के पुलिस जो भी अच्छा निर्णय लेगी इनके सहयोग से। मार्केट खुला है, बिल्कुल खुला है।
नहीं, मार्केट तो बंद अभी अपने अपने इशू के लिए कर सकते हैं, इनके क्या इशू से हल हो जाएंगे तो ये इनके ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हैं, हमें तो सड़क हमने हाँ और हमने खुलवाया, मैंने अभी आकर के खुलवाया। भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया था, यहाँ के लोग चाहेंगे लगे रहे तो लगे रहे, यहाँ के लोग चाहे नहीं लगे रहे तो नहीं लगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।